नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसका नाम है डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है बात समझिएगा। अगर हम ओपन एयर में एक पेंडुलम को लेट हो, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट से एक पेंडुलम लेना हैंग हो रहा है। पेंडुलम में क्या होता है आपको बता है, एक बॉब के साथ एक रस्सी के एक सिर से बॉब अटैच होता है और रस्सी का दूसरा सिरा होता है जो फिक्स सपोर्ट जुड़ा होता है। अब आप क्या करते हो, इस बॉब को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना, आप इसको डिस्प्लेस करवाते हो और डिस्प्लेस करवाने के बाद इसको यहाँ लाकर छोड़ देते हो, या फिर उसको यहाँ लाके छोड़ देते हो। अब इसको डिस्प्लेस करवाओगे, यहाँ अगर छोड़ोगे ना तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये मूव करने लगेगा बॉब। ठीक है, ये बॉब जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। अब अगर ये काम ओपन एयर में हो रहा हो तो एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी। अगर ये चीज ये पेंडुलम ओपन एयर में वाइब्रेट कर रहा हो तो एयर मौजूद है, एयर फ्रिक्शन मौजूद है, तो होगा से आप क्या देखोगे कि विद द पैसिव ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड, इसका डिस्प्लेसमेंट लगातार क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो इस टाइप की वाइब्रेशन को हम नाम दे देंगे डैम्ड ऑसिलेशन का नाम दे देंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब देखा हुआ है अगर कोई वाइब्रेटरी बॉडी वाइब्रेट करे फ्रिक्शन के इफेक्ट के साथ, अगर कोई वाइब्रेटरी बॉडी वाइब्रेट करे फ्रिक्शन के इफेक्ट के साथ, तो उस टाइप की जो ऑसिलेशन है उसका नाम रख देंगे डैम्ड ऑसिलेशन। और इस डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आपको पता है एम्पलीट्यूड का लगातार क्या होगा, कम होगा, ये ग्रेजुअली इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और फिर एक तरह आगे हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल अटैक करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया है तो बना देता हूँ, नोट नहीं किया कैलकुलेट करना है रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। आगे लिखा है ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बच्चों, 1300 किलोहर्ट्ज। अब किलोहर्ट्ज क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है आपको सवाल में मेंशन है कि किलो का मतलब 10 की पावर 3 है। क्या है आपको गिवन है, नीचे सवाल में लिखा गया है कि किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है, और हर्ट्ज आ गया है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है जो स्पीड है रेडियो वेव की वो आपको गिवन है सवाल में, स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी गिवन है। कितना गिवन है बच्चों, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड आपको रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी में इन्होंने गिवन दे दी है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। आपको पता है फॉर्मूला, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। ठीक है, वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v = f लैम्डा। हमें वेवलेंथ फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में यहां कर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो जो लैम्डा बराबर हो जाएगा v / f, क्या हो जाएगा v / f, लैम्डा हो जाएगा v / f। v कितना बच्चों, 3 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, f कितना बच्चों, f है 1300 एक्सपोनेंट 3। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर में, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, 230.76 मीटर वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो वेवलेंथ की यूनिट आ गई मीटर, 230.76 मीटर। तो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 20, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेवलम गिवन है, वेव का जो कि पॉन्ड में मूव कर रहा है, कितनी वेवलम गिवन बच्चों, 1.6 मीटर वेवलम गिवन है। वेवलम का सिंबल क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, 0.80 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन दे दिया। कहा जा रहा है फाइंड करें स्पीड, क्या फाइंड करना है बच्चों, तो अगे फॉर्मूला मौजूद आपके पास, v = f लैम्डा। आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है, f कितना है 0.80, वेवलेंथ कितना बच्चों 1.6, आप मल्टीप्लाई करिएगा इसको, क्या सर बताइएगा मुझे, 1.28। और स्पीड निकाला है हमने, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है,
ठीक है, तो ये आपने इसकी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो तो इसको नोट कर लीजिएगा इसको आप।